नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और जो मुझे सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ मैं यहां पास आया हूं आपके सामने में। ये जो विषय है ये हमारे बहुत सारे यूजर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, जिसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ। उनका बहुत से लोगों का ये सवाल है कि साहब जाली चैन लिंक फेंसिंग मेज तो हम बना लेंगे, ये व्यापार हम शुरू कर लेंगे, मगर चूंकि आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है तो मुझे पता नहीं कि इसे मैं बेचूं कैसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो, मतलब चैन लिंक फेंसिंग मेज मार्केट में किस तरीके से आपको बेचना है, किस तरीके से आपको अपना कस्टमर बेस बनाना है, अपने ग्राहक बनाने हैं ताकि आपका व्यापार अच्छे से चल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी विषय में जानकारी, इस विषय में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे अंत तक का। और एक विशेष रिक्वेस्ट आप लोगों से कि हम चाहते हैं समय समय पर कि लाइव आके मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को देता रहूं, बट अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, मगर जितने भी हुए हैं भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं, बहुत आप लोग हमारे मैसेज को, वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो मैं बस इतने बोलूंगा, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लाइव आके लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि अगर मान लीजिए आपने चैन लिंक फेंसिंग बनाने का एक व्यापार शुरू कर लिया है तो आप उसे रन कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को आप बेचेंगे कैसे। इस विषय में ना दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो ही शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया था, जो मैंने किया था अब मैं आपको वो चीज करने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं वैसा करके सक्सेस हुआ था तो आप भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी को फॉलो करके सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी शहर में हो, शहर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको सबसे पहले करना यह है कि शहर के जितने भी हार्डवेयर स्टोर है जहां हार्डवेयर का सामान मिलता है और ऐसे जितनी भी जगह है जहां पर छड़ सीमेंट वगैरह बिकते हैं, जहां नालीदार चादर बिकती है, पाइप बिकती है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन का जहां सामान मिलता है उस जगह पे आप जाइए, वहां के ऑनर को आप बताइए कि भाई हम यहाँ पास ये प्रोडक्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अब इसको हमको रीसेल करना है। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए भाई आपको जब लगे, जितना लगे आप उनसे माल की डिमांड कीजिए, मैं आपको माल सप्लाई करूंगा। मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या है कि इन दुकानदारों के पास में, जो आपने देखी शहर के बीच में, इनके पास बहुत ज्यादा जगह होती नहीं है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं चैन लिंक फेंसिंग को ना ज्यादा स्टोर नहीं करना पसंद करते हैं, मगर इनके पास डिमांड हमेशा आती रहती है। तो यदि आप इनकी डिमांड के हिसाब से इनको माल सप्लाई कर दोगे तत्काल, तो ये आपसे मटेरियल लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक डीलर फॉर्म में माल को बेचने का तरीका कि भैया आपने शहर में बहुत से लोगों को डीलरशिप दे दी। डीलरशिप क्या दी, मतलब काउंटर पे मटेरियल छोड़ दिया और वहां से फिर जो लोग मटेरियल देख रहे हैं वो लोग बेच रहे हैं। अब आते हैं दूसरा तरीके में, जो है प्रचार का माध्यम। तो प्रचार के लिए आपको क्या करना है, आपका जो शहर है, जिस शहर में आप हो या जिस गांव में आपने ये व्यापार किया हुआ है, उस गांव में जितना दूर तक आपको अपने इस बिजनेस को फैलाना है, उतने गांव तक, उतने दूर तक का हर गांव की एक धान मंडी होती है और एक पंचायत भवन होता है। दो चीजें होती है दोस्तों, बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं मैं। हर गांव की अपनी एक धान मंडी होती है और एक पंचायत भवन होता है, जहां गांव के मैक्सिमम किसान, मैक्सिमम बोल लो या ये बोल लो कि 100% ग्रामीण उस जगह तक किसी न किसी काम से, किसी न किसी रूप से निश्चित तौर पर पहुंचते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि पंचायत भवन के सामने या उस धान मंडी के सामने कोई जगह देख के आपको अपना एक पेंटिंग करानी है, वॉल पेंटिंग करानी है। वॉल पेंटिंग करा के आपको उसमें बताना है कि भाई फलाना फला जगह पे हमने चैन लिंक फेंसिंग मशीन का बिजनेस शुरू किया हुआ है ना। आपको वहां पर अपनी क्वालिटी बताना है, इन शॉर्ट आपको वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब इसके बाद दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तो हुआ वॉल पेंटिंग का काम, दूसरा हो गया
कि आपको उन गांव के जो सरपंच है और जो सचिव है उनसे जाकर मुलाकात करनी है। उनसे जाकर करने के लिए मैंने जैसे आपकी बताया कि आपको करना क्या है, पंचायत भवन और धान मंडी के सामने में जो भी खाली दीवार होगी उस दीवार में अपना एडवर्टाइजमेंट करना है वॉल पेंटिंग के माध्यम से, वॉल पेंटिंग या बैनर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। दूसरी मार्केटिंग की पॉलिसी होती है मॉब पब्लिसिटी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना, आपको पंचायत के जो सदस्य है जिसपे सरपंच और सचिव, उनसे एक बार आपको जाके मुलाकात करनी चाहिए। मुलाकात करके उनको बताइए कि भाई हम आपके क्षेत्र में आपके गांव से इतने दूर में ये काम शुरू किए हैं, ठीक है, और आप अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दे दीजिए। तो होगा क्या कि आपका प्रचार जो है ना वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और वैसे तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जीआई वायर मेज फेंस चैनलिंग फेंसिंग मेज के बिजनेस को ना बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत पड़ती नहीं है। आप जैसे ही काम शुरू करते हो ना अगल बगल के लोग ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है कि ज्यादा आप सेल करने का टेंशन ना लेके अपने व्यापार को शुरू करें, मगर उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि थोड़ा प्रचार करूं, सेल का साधन बनाऊं, तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई, जो साधन मैंने आपको बताया, उस साधन का उपयोग कीजिए, उस तरीके का उपयोग कीजिए और निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको सफलता 100% गारंटेड है, मिलेगी मेरे दोस्तों। तो अपने इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया और आगे भी आपका सहयोग बना रहे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और यस कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री होती है कि वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये जानने की। तो कृपया कमेंट सेक्शन में आपने बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।